तो आज की मेरे पास हाथ लगी है नॉइस की नई वॉच, का नाम है ओरिजिन। और ये वॉच के साथ नॉइस थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा है अपने वॉच सेगमेंट का, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चेंजेस ब्रॉड कर रहे हैं। और ये चेंजेस डेफिनेटली मैटर करते हैं अगर एक यूजर की बात करते हैं, क्योंकि दो तीन सालों से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जो स्मार्ट वॉच सेगमेंट में वॉचेस आ रही है वो काफी सिमिलर टू सिमिलर होती है, बस ब्रांड का नाम का फर्क होता है। बट क्या एक मेजर डिफरेंस है जो अपडेट किया जाता था, वो है इसकी UI। तो यहाँ पर काफी चीजें बातचीत करने को है इस वॉच के रिगार्डिंग, बट पहले अपन इसे करते फटाफट से अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग की बात करते हैं तो ओरिजिन की यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी है, आपको कुछ एसेंशियल जो उसके की स्पेक्स हैं वो आपको मालूम पड़ जाते हैं। कंटेंट पैकेज पे आपको चीज़ें कोई मिल जाती है, मैनुअल है, वारंटी है और आपका एक स्टिकर कार्ड है। बट आपके एक चार्जिंग केबल प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पर, जो उसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखना कि जब भी खरीद रहे हैं वॉच तो आप प्लीज़ वारंटी वगैरह पहले रजिस्टर कर ले जिस दिन आप वॉच खरीद रहे। अब बात करते हैं सीधे वॉच के डिज़ाइन को लेकर। तो वॉच डिज़ाइन के मामले में काफ़ी एस्थेटिक फील होती है और डेफिनेटली काफ़ी यंग वाइब दे रही है वॉच, क्योंकि इन्होंने सर्कल डायल में जो हल्के से टेक्सचर्स का यूज़ कर रखा है, साइड में आपको जो क्रोनोग्राफ्स के ऊपर एक जो है मार्किंग देखने को मिलती है, इवन जो इसका रोटेटिंग क्राउन वाला पार्ट है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि डिजाइन और टेक्सचर आपको दोनों पे देखने को मिलता है। साइड बॉटम में आपको एक बटन ही प्रोवाइड कर रखा है फॉर द स्पोर्ट्स मोड, तो आप डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बटन दबा के जा सकते हैं। बट अगर आप फिजिकली डिजाइन को देखेंगे हैंड में काफी अच्छी फील होती है वॉच। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसकी जो लेंथ है, जिसकी साइज है, वो एकदम परफेक्ट रहने वाली है आपके हाथ पे, अगर आपकी मीडियम रिस्ट है या फिर अगर आपकी ब्रॉड रिस्ट है। थिन रिस्ट वालों के हाथ में डेफिनेटली थोड़ी सी वॉच जो है परफेक्ट ना फिट हो, अच्छी ना लगे, पर अगर मीडियम और आपकी ब्रॉड रिस्ट पे डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव ये वॉच लगने वाली है। साथ ही यहाँ पे आपको स्ट्रैप्स प्रोवाइड कर रखे हैं मेरे पास, तो यहाँ पर आपको जेड ब्लैक देखने को मिलता है, ये जो है क्लासिक ब्लैक देखने को मिलता है। यहाँ पर जो बेल्ट है इसमें आपको हल्का सा लेदर टेक्सचर या लेदर फील आपको जो देखने को मिलती है इसके स्ट्रैप्स में, क्वालिटी अच्छी दिख रही है और प्रीमियम कहीं ना कहीं वॉच का लुक बना देती है स्ट्रैप, तो आई कैन से कि ये चीज अच्छी है। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे चेंज करना है स्ट्रैप्स तो वो भी आप कर पाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी उसमें। बट अब बात करूंगा मैं इसके मेन चीजों को लेकर, कि जो इसका डिस्प्ले है वो एक इसका हाईलाइट पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि 20% मोर ब्राइटर ये एक एमोलेड डिस्प्ले इन्होंने यहाँ पर यूज कर रखा है, जिसको ये कह रहे हैं स्पेशली। अब यहाँ पर 1.46 इंच का आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, एंड दिस इज एन एपेक्स विजन एमोलेड डिस्प्ले। एंड यस, नो डाउट आपको डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी फील देती है, आपको ब्राइटनेस बेहतर नजर आने वाली है यहाँ पर, तो उसको लेकर तो मैं बेफिक्र होकर कह सकता हूँ कि वॉच आपके लिए काफी परफेक्ट रहेगी अगर आप आउटडोर सिनेरियो में भी इसको यूज कर रहे हैं। अब चूंकि एक एमोलेड डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको चार डिफरेंट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है कि अब नॉइस की जो यूजुअल वॉचेस आती थी उसमें दो ही AOD होते थे, बट यहाँ पर आपको चार AOD प्रोवाइड कर रखे, दो डिजिटल और दो एनालॉग आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एंड वो आपको सेटिंग में मिल जाएंगे, और कितने टाइम पे एक्टिवेट करना है वो भी आप यहाँ पर सेटिंग वगैरह में सेट कर पाएंगे। तो दिस इज द बेटर पार्ट कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर है, वेग गेस्चर आपको देखने को मिलता है, इवन इसमें स्क्रीन टैप ऑफ वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है, अगर आप पाम रखते हैं तो स्क्रीन जो है आपकी ऑफ हो जाती है। बट ऑल द वे इस वॉच में खास चीज नोटिस करने वाली ये है कि 3 ATM वाटर रेजिस्टेंट भी मिल जाती है, यानी कि 30 मीटर तक आप जो है पानी के अंदर लेके जा सकते हैं। अब यूजुअली आपने नॉइस की वॉचेस देखेंगे तो IP67 या फिर IP68 देखने को मिलती थी, बट आपको यहाँ पर 3 ATM मिलता है, यानी कि 30 मीटर्स तक आप पानी की गहराइयों में वॉच को पहन के जा सकते हैं बेफिक्र होकर, कोई दिक्कत देने वाली। तो नेक्स्ट बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलता है नॉइस की वॉच में, वो है इनका UI। अब यहाँ पर ये नेबुला UI के साथ में आए हैं, और यहाँ इस UI का जो फील है, जो एक टच है, वो आपको पुरानी वाली UI जैसा देखने को मिलता है, बट यहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं इन द एनिमेशन, इन द लुक, इन द अपीयरेंस, तो थोड़ा सा आपको बेहतर फील होगा और वॉच एक कहीं ना कहीं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको नजर आएगी। और देखो, UI हमारे लिए कहीं ना कहीं मैटर करता है, क्योंकि आप जब भी किसी तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हो, फोन यूज़ कर रहे हो या फिर इस तरह की वॉच यूज़ कर रहे हो, तो UI इंटरफेस जो होता है, अगर यूजर इंटरफेस अगर अच्छा नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपको वॉच यूज़ करने में या फोन यूज़ करने में मज़ा नहीं आता। वैसे अगर इसकी UI के ओवरव्यू की बात करें तो टॉप सब पे आपको सारी नोटिफिकेशन रीड हो जाती है, आपकी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आ रखी है उनको आप रीड कर सकते हैं। बॉटम पे आपको यहाँ पर जो है टॉगल्स बटन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्राइटनेस होगी, वेग गेस्चर ऑन ऑफ करना है, वही आपका यहाँ पर जो है बैटरी पावर सेविंग मोड है, आपका लॉक ऑप्शन दे रखा है, स्क्रीन लॉक ऑप्शन दे रखा है, तो वो यहाँ पर आप कर पाएंगे। बाकी राइट साइड पर आपकी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, ब्लड ऑक्सीजन हो गया, स्लीप मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग होगी, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड कमिंग टू द चेंजेस ऑफ वॉलपेपर, आप यहाँ पर सेंटर टच करें, आप अपने यहाँ पर जो वॉच फेसेस दे रखे हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे वैराइटीज ऑफ वॉच फेसेस अवेलेबल कर रखे, तो वो काफ़ी प्रीमियम भी यहाँ पर लगते हैं। तो UI काफ़ी क्लीन है, स्मूथ लगती है, और एनिमेशन से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट फील अच्छा लगेगा इसमें। बट बाकी फीचर्स की अगर बात करते हैं, तो वही जो आपको बेसिक फीचर्स नॉइस प्रोवाइड करते आ रहा है वो आपको देखने को मिलते हैं। आई वुड से कि ट्रैकिंग के मामले में नॉइस की वॉचेस ज़्यादा बेहतर लगती हैं, अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे, और मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, तो नॉइस ऑन द पॉइंट ऑफ सेंसर थोड़े से बेहतर सेंसर क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जिसके चलते आप ट्रैकिंग बात करते हैं HR की या फिर SPO2 की,
आपको सही साइड मिल जाती है। तो यहाँ पर वही आपको हेल्थ रिलेटेड सही चीजें मिल जाएंगी, जहां पर अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाला रीडिंग देखने को मिल जाएगा, एचआर रीडिंग्स मिल जाती है, ब्लड ऑक्सीजन का आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, स्लीप मॉनिटरिंग की आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये आपके सेंसर की बेस्ड चीजें हैं जो वर्क करती है। एंड कमिंग टू द एक्यूरेसी, आपको सही साइड मिल जाती है एक्यूरेसी। अब यहाँ पर कॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रखा है, तो नाउ कमिंग टू द कॉलिंग ऑप्शन, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट कॉल हिस्ट्री डायल पैड ये सब आपको देखने को मिलता है। और ये जो रोटेटिंग क्राउन है आप इसके थ्रू इससे प्रॉपर इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप इसके अंदर की तरफ आपको जो है रोटेट कर रहा है। एंड फीडबैक काफी प्रॉपर आता है इस रोटेटिंग क्राउन का, मतलब आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक टच प्रॉपर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। नाउ द थिंग इज दैट, कॉलिंग क्वालिटी की बात करी जाए तो आप यहाँ पे कॉल वगैरह लगा सकते हैं और क्वालिटी कुछ इस तरह की निकल कर आती है। तो गाइस अभी तो आवाज सुन रहे हैं बस वॉच के माइक्रोफोन से, अगर कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देगी जब आप इसको कॉलिंग के लिए यूज करेंगे। अब बाकी तो आपको बेसिक सारे फंक्शन मिल जाता है, जैसे कि आपका अलार्म हो गया, टाइमर हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, वर्ल्ड क्लॉक हो गया, पोमोडोरो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने, तो वो सारे फंक्शन है। रिमाइंडर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो अगर आप रिमाइंडर्स वगैरह सेट कर रखे हैं आपने तो वॉच में चेकआउट कर सकते हैं। वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, म्यूजिक कंट्रोल आपके लिए अवेलेबल कर रखा है, कैलकुलेटर भी है तो ऑन गो आप यहाँ पे जो है चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर का यूआई भी थोड़ा सा आपको चेंज नजर आएगा यहाँ पर। वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट वॉच फेसेस आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। फ्लैश लाइट का ऑप्शन दे रखा है, तो अगर रात में कई बार अंधेरे पानी वानी पीने जा रहे तो फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं। सेटिंग में अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो हमें ब्राइटनेस है, रिंगटोन वाइब्रेशन वगैरह की सेटिंग है, इवन यहाँ पर जो आपको जेस्चर ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा जैसे कवर टू स्लीप, टैप टू वेकअप वाला जो जेस्चर है वो आप यहाँ पर एनेबल कर सकते हो। बाकी आपकी जो स्क्रीन के टाइम होते हैं अगर आपको उसको बढ़ाना है जैसे 30 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट में बंद हो आपकी स्क्रीन, तो वो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। एओडी की मैंने बात ऑलरेडी करी रखी थी। मेन्यू व्यू का ऑप्शन अगर आपको चेंज करना तो वो भी दे रखा है। ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है और डाउन बटन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे रखा है, तो नीचे वाला जो डाउन बटन है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको सिंगल टैप करेंगे तो वर्कआउट खुल जाएगा, लॉन्ग प्रेस अगर आप करते हो तो आप यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी को डाल सकते हैं, जो भी शॉर्टकट बोल सकते हैं आप यहाँ पे शॉर्टकट बटन के तौर पे काम करता है, तो जो आपको शॉर्टकट यहाँ पर एनेबल करना है डालना है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये एक अच्छा फंक्शन मुझे लगा। बाकी अगर आपने कौन से हाथ में पेन रखी है तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर दिया, लेफ्ट में पेन रखी, राइट में पेन रखी है तो वो आप यहाँ पर चेंज कर लेना अगर आप जिस तरह से पहनते हैं। बाकी तो आपको वो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें होती है रीसेट हो गया, रिस्टार्ट हो गया, वो आपको मिल जाएगा सिस्टम ऑपरेशन में। क्यूआर कोड भी दे रखा है आपके एप्लीकेशन का, तो वो भी आप देख सकते हो। अब कमिंग टू द यहाँ पर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर वही नॉइस की एप्लीकेशन को देखने को मिलेगी। ये एप्लीकेशन में आपको सारे जितने भी वॉच फेसेस हैं, वैराइटीज ऑफ वॉच फेसेस मिल जाते हैं, जो भी आपको लगाना आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने जो कस्टमाइजेशंस हैं, कॉन्टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो सब भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया प्राइसिंग क्या होने वाली है। भाई आपने इतनी सारी बातें कर दी इस वॉच के बारे में कि कीमत क्या है इसकी, तो देखो ये जो वॉच है 6000 रुपीस की प्राइसिंग पर स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आपको वैराइटीज देखने को मिलेगी, इसमें वैराइटी इन द सेंस कि आपको बेल्ट के साथ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कुछ स्टेनलेस स्टील वाले बेल्ट के साथ भी आ रहे हैं, कुछ नॉर्मल सिलिकॉन के साथ में आ रहे हैं, कुछ लेदर टच में आ रहे हैं, कुछ ब्राउन लेदर में आ रहे हैं, तो कलर्स ऑफ वैराइटीज आपको हमें मिल जाए। तो प्राइसिंग में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है, बट लॉन्च प्राइसिंग इसकी 6000 के अराउंड है। और अगर आपको ये वॉच खरीदने का मन है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आप डेफिनेटली नीचे दिए लिंक पर चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो थोड़ा सा प्राइसिंग मुझे ओवर प्राइस लगा है, ये 4-5000 रुपये के अराउंड ज़्यादा बेहतर साउंड करती वॉच, बट एट द एंड चॉइस आपके ऊपर है खरीदना है कि नहीं खरीदना है। और नॉइस की क्वालिटी को लेकर बात करूँ तो वो डेफिनेटली आपको अच्छी मिल जाती है। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेटल रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।